सो हेलो हीरोज, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, बढ़िया हो गए। तो WBJEE ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन इशू की है, जिसमें यह बताया गया है कि काउंसलिंग के टाइम में ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास रेडी होने चाहिए। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी नहीं होंगे तो हो सकता है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाओ। अगर पार्टिसिपेट कर भी देते हो तो आप काउंसलिंग के बाहर हो जाओगे अगर ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। तो जैसे ही हम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं, यहाँ पे एक बुलेटिन आपको दिख रहा होगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर WBJEE 2022 काउंसलिंग। सो जब इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमें एक PDF का ऑप्शन आता है। और PDF जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे और PDF ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट विल नीड टू प्रोसीड या अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड प्रोविजनल एडमिशन विच इज कम्प्लीटेड विद इन ए वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। हैंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर हैंड। तो WBJEE ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई ये सभी जो डॉक्यूमेंट है आपको काउंसलिंग के टाइम स्कैन करके अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने पिक ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, स्कैन करके प्रॉपर अपलोड करना होता है। और ये सभी डॉक्यूमेंट आप पहले से तैयार रखें, ऐसा नहीं हो कि डॉक्यूमेंट्स के कारण आपको कोई प्रॉब्लम आए। अगर ऑल के लिए देखें, ऑल कैंडिडेट्स के लिए दिया है क्लास 10th एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट फॉर द वेरीफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जितने भी कैंडिडेट हैं, वेदर वे वेस्ट बंगाल डोमिसाइल हैं या आउट ऑफ वेस्ट बंगाल हैं, क्लास 10th का एडमिट कार्ड हर किसी के पास होता है, तो क्या तो वो दे देना है या बर्थ सर्टिफिकेट दे देना है। बस वो इससे क्या है, ये पुख्ता करना चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो सही है कि नहीं है। और क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए सभी कैंडिडेट को, क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए सभी कैंडिडेट को। जो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए एज पर सेक्शन 3.4, 3.4.1, 3.4.2। तो ये सभी जो है इसमें बुलेटिन में भी दी हुई है, तो वो तुम देख लो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। जनरली क्या है, अगर तुम्हारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम अगर वेस्ट बंगाल के हो भी, बिना इस सर्टिफिकेट के तुम ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि भाई मैं यहीं का हूँ, और तुम्हें ये जो कैटेगरी का जो बेनिफिट मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। इफ़ यू बिलोंग टू SC ST OBCA OBCB कैंडिडेट्स, तो इस केस में आपका क्या होगा कि आपको इसके लिए भी क्या है, सर्टिफिकेट चाहिए। चाहे आप PWD कैंडिडेट हैं तब भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, TFW कैंडिडेट हैं इसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए। यानी अगर आप किसी भी स्पेशल केस में अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि ये वेरीफाई करेगा कि हाँ जिस चीज़ के लिए आप क्या है मतलब क्लेम कर रहे हो उस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई है। अगर वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID पे मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ आपको एक फॉर्म इशू की जाएगी, फॉर्म आपको फिल करनी होगी, एक बहुत मिनिमम पेमेंट रखा गया है वो पेमेंट को करना होगा, उसके बाद आप क्या है हमारे टीम से सपोर्ट पा सकोगे। देखो सपोर्ट का एक बेनिफिट ये होता है कि आप तो पहली बार काउंसलिंग में जा रहे हो तो बहुत सारी डाउट्स होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग सही ब्रांच चूज नहीं कर पाते हो, या कई बार ब्रांच अच्छा मिल जाता है कॉलेज में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए अगर आप चाहो तो पेड काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनों का ध्यान रखेंगे।